हेलो स्टूडेंट्स हाय आई ट्यूटर चैनल आज हम लोग क्लास नाइन्थ साइंस का एक टॉपिक व्हाट इज एन आयन पढ़ने वाले हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है सो कंपाउंड कंपोज ऑफ़ बैटल्स एंड नॉन बैटल्स कंटेनिंग द चार स्पीशीज सो जो भी कंपाउंड्स हम देखते हैं कंपाउंड्स में मेटल्स भी होते हैं एंड नॉन मेटल्स भी होते हैं एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर कुछ चार्जेस होते हैं चार्जेस पॉजिटिव हो सकते हैं नेगेटिव हो सकते हैं सो जो चार्ज स्पीशीज हैं उसी हम, उसी को हम बोलते हैं आयंस सो द आयंस भी कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम दैट अ नेट चार्ज और दैम तो आयंस क्या होते हैं आयंस में सिंगल चार्ज भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ आइटम्स भी हो सकते जिसमें कुछ नेट चार्ज हो यानी ग्रुप पे कोई चार्ज हो एंड आयर कैन भी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज आयन में पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है सो द नेगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज एन आयन ऐसे आयन जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा उन्हें हम बोलेंगे एन आयन एंड द पॉजिटिवली चार्ज आयन आर कैटायन सो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है एन ए सी एल का पार्टिकल्स है पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन एन ए सी एल में कॉन्सिटेंट्स पार्टिकल है एन ए एन सी एल एन ए पर है पॉजिटिव एंड सी एल पर है नेगेटिव चार्ज अ ग्रुप ऑफ आइटम्स कैरी क चार्ज इस पॉलियाटॉमिक आयन पोलियाटोमिक आयन किसी बोलते हैं एटम का ऐसा ग्रुप जिसमें कुछ चार्ज शो हो दैट इज पोलियाटॉमिक सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं सामायनिक कंपाउंड जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड इसमें एलिमेंट्स है इस कैल्शियम एंड ऑक्सीजन एंड रेशियो बायोसि फाइव रेशो टू मैग्नीशियम सल्फाइड मैग्नीशियम एंड सल्फर रेशियो बायोसड थ्री रेशो फोर सोडियम क्लोराइड सोडियम एंड क्लोराइड सोडियम, सोडियम का रेशो है ट्वेंटी थ्री एंड क्लोरिन का रेशो है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव हेलो स्टूडेंट्स हाँ ये पूर्वी ऑन ऑफ पर्सनल बिहासन चैनल आज हम लोग क्लास नाइन साइंस का एक टॉपिक राइटिंग केमिकल फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं कि जो हम केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं केमिकल कंपाउंड से केमिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा वो हम यहाँ पढ़ेंगे सो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ऑफ कंपाउंड इज अम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन सो so, जो केमिकल फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का वो शो करता है उसका सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसके सिम्बॉल्स को सो द केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटर्न ईजिली अगर हमें अलग अलग कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला लिखना है तो हम उसको बहुत ईजिली लिख सकते हैं फॉर दिस एक्सरसाइज वी रीड लर्न द सिम्बॉल्स एंड द कम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट तो उसके लिए हमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट का सिम्बॉल पता होना चाहिए और उसकी कम्बाइनिंग कैपेसिटी क्या है द कम्बाइनिंग पावर और द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज़ नोन एज इट्स वैलेंसी तो जो कम्बाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की उसे ही हम बोलते हैं वैलेंसी सो हमें सबसे पहले हर एलिमेंट का सिम्बॉल पता होना चाहिए और उसकी वैलेंसी सो वैलेंसी भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं वैलेंसी कैन बी यूज्ड To find out how the atoms of the elements will be combined with the atom of the other element to form a chemical compound, so valency का हम use क्यों करते हैं कि हमें पता चल जाए कि कैसे atom कम्बाइंड हो रहे हैं दूसरे ऐटम के साथ जिससे कि कोई केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाए सो द वैलेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी था ऑफ द हैंड्स एंड द आर्म ऑफ atom. सो जो वैलेंसी है किसी भी एलिमेंट की वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के से हैंड से सो ह्यूमन बींग्स हैव टू आर्म्स एंड द ऑक्टोबर्स हैव एट अगर कंपेरिजन करें ह्यूमस और ऑक्टोबर्स का तो ह्यूमस के पास सिर्फ दो ही आर्म्स हैं एंड ऑक्टोबर्स के पास एट इफ वन ऑक्टोबर्स हैज़ टू कैच होल्ड अ फ्यू पीपल इन सच अ मैनर दट All the eight arms of the octopus and both arms of the humans are locked. So अगर octopus को किसी भी person को पकड़ना है तो उसके एटो arms आठ जितने भी eight आर्म्स हैं वो सारी यूज हो जाएंगे अगर हम यूबर्स को भी किसी पर्सन को पकड़ना है तो हमारे भी दोनों आर्म्स उसमें लग जाएंगे सो so, हाउ many यूबर्स डू यू थिंक द ऑक्टोबर्स कैन होल्ड सो so, आपको क्या लगता है कि ऑक्टूबर्स एक बार में कितने यूबर्स को पकड़ सकता है अगर ह्यूमन के कंपैरिजन में करें तो ह्यूमन अपने दो हाथों से एक पर्सन को पकड़ सकता है तो इस हिसाब से ऑक्टूबर्स अपने हाथ अपने एट आर्म से चार लोगों को पकड़ सकता है सो so, यहाँ पर हमने ऑक्टूबर्स को रिप्रेजेंट किया है ओ से एंड ह्यूम्स को रिप्रेजेंट किया है एच से सो so, इसका फॉर्मूला होगा ओ एच फोर सो द सब्सक्रिप्ट फोर इंडिकेट्स एट द नंबर ऑफ यूमस हैंड बाय द ऑक्टोबस तो जो एच के सब्सक्रिप्ट है वो बताती है कि ऑक्टोबस चार यूमर्स को पकड़ सकता है सो द वैलेंसी ऑफ सम कॉमन आयस आर गिवन इन द टेबल थ्री पॉइंट सिक्स विल लर्न मोर अबाउट द वैलेंसी इन द नेक्स्ट चैप्टर सो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी दे रखी है एंड वैलेंसी के बारे में हम लोग मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ सो so, यहाँ पर डीप्स एंड सिम्बॉल्स ऑफ सम आयंस दे रखे हैं जैसे कि सोडियम के सोडियम का सिम्बॉल होता है एन ए एंड उस पर चार्ज है पॉजिटिव पोटेशियम के प्लस एजी कॉपर सी प्लस सी यू प्लस एज इट इज आपको डिफरेंट एलिमेंट शो कर रखे हैं एंड उनके सिम्बॉल्स अलॉन्ग विथ आयंस सम एलिमेंट शोज मोर देन वन वैलेंसी सो द रोम ड्यूब्रोज य ब्रैकेट कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जैसे कि फर्स्ट वाले में कॉपर वन तो उसकी वैलेंसी है वन आयरन टू तो आयरन की वैलेंसी है टू कॉपर टू तो यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी है टू आयरन थ्री तो उनकी वैलेंसी को इन्होंने रोबर नंबर में शो किया है द ब्रैकेट फॉर्म सो so, आई होप कि आपको ये अच्छी लगी वीडियो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया कि आपको कोई और दूसरा टॉपिक समझना है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए ओके थैंक यू नाइस डे गुड डे प्रिपेयर करो एग्ज़ाम के लिए